ऋषभ ही समथिंग न्यू में आपका वेलकम है। आज मैं आपको जो नया करने वाला हूँ वो बता रहा हूँ कि हम चौको इडली कैसे बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिए और लर्न कीजिए कि हम चौको इडली कैसे बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बनती है। उसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले मैं लगभग 300 ग्राम सूजी लूँगा और अब मैं इसमें ऐड करूँगा लगभग 300 ग्राम के आसपास दही। बट मेरा दही जो मानसून का मौसम है खट्टा है, इसलिए मैं दही कम लूँगा। मैं लगभग 150 ग्राम के आसपास दही लूँगा क्योंकि दही खट्टा है। जब दही आपका खट्टा हो तो आप दही की क्वांटिटी कम रखें। अगर आपका दही घर का है, ज़्यादा खट्टा नहीं है, तो आप दही को 300 ग्राम ही रखेंगे। बट मेरा दही खट्टा है इसलिए मैं दही की क्वांटिटी कम कर रहा हूँ। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से फेंटना है, क्योंकि आपका जो इसके बीच में हवा ना आए और आपकी फूल जाए, इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। तब इसमें 300 ग्राम के आसपास पानी डालेंगे। पानी हम आस्ते आस्ते करके डालेंगे और अपनी कंसिस्टेंसी जो इस पैटर्न की है, बहुत ना थिक हो और ना ही बहुत थिन हो। तो आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगा, पानी एक बार में नहीं डाल के, इसके बीच की जो भी हवा है वो निकल जाए और ये सारा पानी सोख ले। अब मैं इसमें डालूंगा लगभग जो मेरी मेन इंग्रेडिएंट है, लगभग 100 से 150 ग्राम का जो मेरे पास ब्लैक चॉकलेट का कंपाउंड पड़ा है, मैं उसको मैश करके 100 से 150 ग्राम यहाँ पे डालूंगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगा। आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है और आप देख सकते हैं इसको कितना अच्छा लग रहा है मिक्स होते हुए। अब आप देख सकते हैं कि मिक्स होके बहुत अच्छा हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूंगा लगभग 4 बड़े चम्मच शुगर के। आप शुगर अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, मैंने 4 बड़े चम्मच ऐड किए हैं। और अब इसको हम शुगर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही डार्क नहीं करनी हमने और बहुत ही थिन भी नहीं करनी है, एक मीडियम रहे, ताकि जब हमारी जो इडली है फूल के अच्छे बने। तो मेरा जो पैटर्न है ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब मुझे जो नेक्स्ट है, अब पैटर्न में मैं डालूंगा 1 पैकेट इनो। मैं इनो को एक बार में एक जगह नहीं फेंकूंगा, थोड़ा हमने इसको फैला के फेंकना है, क्योंकि एक जगह फेंकेंगे तो वहीं पे वाला आएगा वहीं पे इसको। इसलिए हमने क्या करना है कि इसको पूरी जगह घुमा के फेंकना है, एक जगह से नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनो उसमें डाल दिया है। आपने ध्यान रखना है कि आपने प्लेन वाला इनो लेना है, अपने मसाला इनो या जीरा इनो आजकल आता है वो नहीं लेना है, आपको सिंपल और प्लेन इनो लेना है। चलिए मैं इनो को यहाँ पे मिक्स कर दूंगा और इस पूरे पैटर्न को वापस अच्छे से रोटेट करके इसको मिक्स कर लूँगा। मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि मैंने क्या किया कि जो इसके बर्तन है, इडली के बर्तन, इसको ऑलरेडी घी लगा दिया मैंने। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे घी लगाते हैं। और अब मैं इसमें क्या करूँगा कि एक बार में सब कुछ नहीं डालूंगा, मैं आधा आधा जो इसका लेवल है वो हाफ हाफ लेवल मैं इसमें ये पैटर्न डालूंगा। अब इसको क्रंच करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने थोड़ी सी चॉकलेट, जो कि मंच चॉकलेट बाजार में मिल जाती है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया है। अब मैं इसके ऊपर ये डाल दूंगा ताकि जब ये फूल के आएगी तो ये हिस्सा क्या है थोड़ा क्रंची रहे, बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है क्रंची हिस्सा। तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, अब इसको कवर कर दूंगा, इसके ऊपर वापिस थोड़ा पैटर्न डाल के इसको कवर कर दूंगा। आपको बहुत ज़्यादा पैटर्न नहीं डालना है। मैंने इसके चारों फ्लोर कर दिए हैं, लास्ट फ्लोर को भी मैं इसी प्रकार से फिल करूंगा। पहले उसमें थोड़ा सा मटेरियल डालूंगा, फिर देन उस पर सेम ये मंच डाल के उसको कवर करूंगा मैं। देन इसको बचे हुए मटेरियल्स को वापस इस मंच के ऊपर डाल के इस इडली पैटर्न को पूरा तैयार कर दूंगा, जो कि मेरा इडली के सांचे में तैयार हो रहा है। चलिए मेरा जितना पैटर्न मैंने डालना था डाल दिया है। अब इसको मैं स्टीम करने के लिए कुकर पे रख दूंगा। तो चलिए इसको मैं कुकर पे डाल रहा हूँ, मैंने इसको कुकर में डाल दिया है। अब 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं रेफ्रिजरेट करने के लिए छोड़ दूंगा। अब मैंने इसको निकाल लिया बाहर। आप देख सकते हैं कि मेरी इडली 15 मिनट बाद निकल चुकी है और कितनी फुली हुई इडली बनके तैयार है, मेरी चौको इडली बनके तैयार हो चुकी है। हम इसको किसी के साथ सर्व करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी बहुत टेस्टी लगती है।
कि केक के कंपेरिजन बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती है, क्योंकि इडली ये रवा के बनी होती है। तो रवा क्या है कि मैदा क्या होता है कि मैदा मुंह में चिपकता है, ये चिपकता नहीं है, ये बहुत ही अलग दाना दाना इसका अलग हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप केक या कुकीज़ कभी ट्राई करना चाहते हो तो मैदा की ना करके आप ये कुकीज़ तैयार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं मेरी 16 के स्तर आसपास मेरी कुकीज़ बनके तैयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छी इसकी शेप आई है। तो आप इसको कभी फंक्शन में ट्राई कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा डेकोरेट करूँगा, मैंने एक बाउल में इसको सब में डाल लिया है। अब मैंने इस पर क्या किया कि चॉकलेट जो वाइट चॉकलेट आपकी मिल्की बार आती है, मैंने उसका थोड़ा क्रश इस पर फेंक है, मैं इसको थोड़ा क्रश ऐड करूँगा। चलिए इसमें मैंने मिल्की बार का जो क्रश है वो डाल दिया है। अब इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ जो बच्चों को अट्रैक्टिव लगे, तो मैं इसमें जैम्स बाजार में मिल जाती हैं तो मैं इसमें जैम्स डाल दूँगा, और बच्चों की बहुत अट्रैक्टिव करती है कुकीज़ है, तो कुकीज़ में जैम्स बच्चों को बहुत सुंदर लगती है। बच्चों को जैम्स या ऐसी चीज़ें अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव से लगे। आप घर पर इसको ट्राई करें, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।